नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हम विकास इकोटेक लिमिटेड के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आज के डेट पे फाइनली हमें जो है कि लोअर सर्किट देखने को मिल चुका है। पिछले वीडियो में हमने जैसे कि एनालाइज किया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। वाकई ही हमें जो है कि 4.55% का यहाँ पर हमें लोअर सर्किट देखने को मिला है। और ये जो लोअर सर्किट है, कब तक हमें लोअर सर्किट में देखने को मिलेगा और यहाँ पे लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन और शॉर्ट टर्म कंट्रीब्यूशन के ऊपर भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी विकास इकोटेक लिमिटेड का शेयर होल्डर्स है उन सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगले यहाँ पर हम वन ईयर की बात करें तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे, वन ईयर पहले इसका प्राइस कितना था, 1.72 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 1.72 रुपये का ये जो स्टॉक है वो एक साल में ही, यहाँ पे ज़्यादा वक्त नहीं लिया है। अगर आप देखेंगे 6 मंथ को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 मंथ में ही जो है कि हमें 224% का इंक्रीज पॉइंट बनाता हुआ नज़र आया है। जी हाँ दोस्तों, 224% कोई ऐसी वैसी रकम नहीं होता है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा हमें रेवेन्यू जनरेट करता हुआ कंपनी दे रहा है विकास इकोटेक। तो यहाँ पे लगातार जो है कि अपर सर्किट हमें देखने को मिल रहा था करीब 8 दिसंबर से, तो यहाँ पे जो है कि जनवरी, फुल जनवरी मंथ हमें जो है कि अपर सर्किट देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में 31 जनवरी को हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे 4.55% का लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। पिछले वीडियो में हमने एनालाइज किया था, जल्दी ही यहाँ पे हमें लोअर सर्किट देखने को मिलेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें जो है कि एक लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। जो भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट के ऊपर यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी कि कम्युनिटी सेंटीमेंट कितना है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। कम्युनिटी सेंटीमेंट, तो इसका जो कम्युनिटी सेंटीमेंट हमें निकल के आता हुआ नज़र आ रहा है, उसकी तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 87% लोग इसको बाई करने की सलाह दे रहा है और 8% लोग यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दे रहा है और 5% लोग क्या कर रहा है, यहाँ पे सेल करने की सलाह दे रहा है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पे इन तीनों में से आपको क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कितना हमें सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है और कितना बाइंग प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो NSE का जो लॉकिंग प्राइस है कितना है, 6.30 रुपये हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे नज़र डालेंगे तो 55,000 का हमें सेलिंग क्वांटिटी बनता हुआ नज़र आ रहा है। और बाइंग की बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ भी बाइंग प्रेशर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कल जब भी हमें NSE में मार्केट ओपन होता हुआ नज़र आएगा, यहाँ पर प्राइस आप देख सकते हैं 6.30 रुपये, तो 6.30 रुपये ही अभी का प्राइस है। 6.30 रुपये में जो है कि हमें लोअर सर्किट थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल ट्रेड क्वांटिटी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के डेट पे हमें अच्छा खासा एक ट्रेड क्वांटिटी देखने को मिला है, जो कि 1 करोड़ 19 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। और वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम आप देख सकते हैं 771 लाख का यहाँ पे हमें वॉल्यूम जनरेट करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर टोटल मार्केट कैप कितना है, 4.557 करोड़ का यहाँ पे जो है कि हमें अच्छा खासा एक मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें BSE की, तो BSE में हमें अच्छा खासा टोटल ट्रेड क्वांटिटी देखने को मिल रहा है, जो कि है 40 लाख के आसपास। और टर्नओवर की बात करें तो यहाँ पे 2.5 करोड़ के आसपास हमें टोटल टर्नओवर देखने को मिल रहा है। और मार्केट कैप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 597 करोड़ का यहाँ पे जो है कि हमें मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे जो है कि सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर की बात करें, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा सेलिंग और बाइंग कुछ भी प्रेशर हमें जनरेट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है अभी तक, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेलिंग और बाइंग के लिए लगाया गया था सब कुछ यहाँ पे प्लेस
हो चुका है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ अगर अब नज़र डालेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें प्रमोटर का जो होल्डिंग है थोड़ा बहुत कम नज़र आ रहा है, जो कि आप अगर देखेंगे डे बाय डे हमें प्रमोटर का जो होल्डिंग है पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें सेम स्ट्रेटजी मतलब सेम क्वांटिटी देखने को मिल रहा है। सेम परसेंटेज कितना है 15.60% का यहाँ पे हमें प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी भी हमें बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर बढ़ जाता तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता। और यहाँ पे पब्लिक के लिए जो होल्डिंग है वो आप देख सकते 84% के आसपास हमें पब्लिक के लिए होल्डिंग देखने को मिल रहा है। और आज की डेट पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक नया अनाउंसमेंट किया गया है, क्या डेप्थ रिडक्शन प्रोग्राम फेज टू अपडेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो डेप्थ रिडक्शन प्रोग्राम है फेज टू का वो यहाँ पे हमें अनाउंस करता हुआ नज़र आया है। इसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, वो एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे और शॉर्ट टर्म बेसिस पे क्या करना चाहिए इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर को, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा अगर आप यहाँ पे वन मंथ का ग्राफ को देखते हैं तो यहाँ पे जो शेयर है हमें धीरे धीरे जो है कि अपर सर्किट की ओड़ी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपर सर्किट की ओड़ी ज़्यादातर हमें देखने को मिल रहा है। लोअर सर्किट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ही कम आपको छोटा सा यहाँ पे एक लोअर सर्किट देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक लोअर सर्किट छोटा छोटा आपको लोअर सर्किट देखने को मिलता है। लेकिन अभी तक जो हाई जंप किया है आज के जनवरी मंथ में, तो ये जो हाई जंप है लोअर सर्किट भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, ऐसा पिछले वीडियो में हमने अनुमान लगाया था। उसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो वन डे मतलब यहाँ पे एक दिन पे 5% के आसपास हमें जो है कि लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। और ये जो लोअर सर्किट है काफ़ी नीचे तक जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपर सर्किट की तरफ नज़र डालेंगे तो यहाँ पे जो अपर सर्किट का परसेंटेज है बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, करीब 150% से भी ज़्यादा हमें यहाँ पर इंक्रीज पॉइंट देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो है, मैं यहाँ पर उन लोगों को कहना चाहूँगा अभी यहाँ पर जो है कि लोअर सर्किट का चांसेस बन के आया है, जो भी यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि जिसका भी टारगेट यहाँ पे मतलब क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है या फिर टारगेट यहाँ पे अप्रोच हो ही गया है तो यहाँ पे वो सब यहाँ पे जो है कि अपना प्रॉफिट बुक करना चालू कर दे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर देते हैं तो यहाँ पर जो हाई जंप आया है इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अच्छा खासा एक अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लोअर सर्किट जाने के बाद फिर से जो है कि आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। और जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए हुए हैं उन सभी के लिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर है तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वांटिटी में शेयर को बेच कर जो है कि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल के किसी और शेयर में भी, या फिर यहाँ पर जो है कि और भी ज़्यादा अगर डाउन में चला जाता है तो फिर से यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पे पूंजी जो है कि बढ़ जाएगा और आपका जो रिटर्न का कमीशन है वो भी आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। इसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए बहुत से लोगों ने जो है कि यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो नवंबर 25 नवंबर के आसपास जो हमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा था, उस अपर सर्किट में भी बहुत से लोगों ने अपने प्रॉफिट बुक किया था। और इस अपर सर्किट में भी मैं चाहता हूँ बहुत से जो लो यहाँ पर जो लॉन्ग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उन सभी को यहाँ पर जो है कि एक प्रॉफिट बुकिंग तो करना ही चाहिए, इतना अच्छा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, ठीक है। तो अपर सर्किट जब लगने से पहले यहाँ पे जो लोअर सर्किट लगा है उस लोअर सर्किट में यहाँ पे फ्रेश एंट्री भी लेने का चांसेस बन के आ रहा है। जो यहाँ पे फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी एक नया मौका यहाँ पे जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो नया मौका भी आने वाला है फ्रेश बायर्स के लिए, और यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर है शॉर्ट टर्म के लिए उन लोगों के लिए यहाँ पर अच्छा खासा अर्निंग भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा नीचे जाने के से पहले ही यहाँ पर अगर आप यहाँ पर बेच के अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं तो यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं जिसका कम क्वांटिटी में शेयर है तो बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, फंडामेंटल कंपनी का बहुत ही अच्छा है, आगे जाके अच्छा खासा हमें प्रॉफिट भी जनरेट करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने भी रह सकते हैं, कोई भी यहाँ पर टेंशन की बात नहीं है। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिला होगा, अगर हेल्प मिला है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस से भरी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।